ये दोनों आर्किटेक्ट थे नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक ऑफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इन दिल्ली वीर सावरकर जी ने लिखा था हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन द वॉल्स ऑफ अंडमान सेलुलर जेल मुगल एम्पर शाह आलम टू ने फरमान जारी किया था दीवानी ऑफ बंगाल बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ये एक्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट कॉम्यूनल इलेक्टोरेट लॉर्ड वेलेसली फाउंड किया था फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता आज के सवाल है प्रेस्टीजियस हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बुद्धा इन गांधारा बुद्धा इन गांधार रिसेंटली विच स्टेट अप्रूव्ड सेटिंग अप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद कुछ ही दिन पहले यह देखा था विधान परिषद अभी किस राज्य ने अप्रूवल दिया है वॉट इज द थीम ऑफ द इल्ड मेटर डे ऑथर ऑफ द बुक बुक अभी रिस रिलीज हुई है एलिफेंट इसके ऑथर का नाम क्या है ये किस राज्य में लोकेटेड है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है इसका मतलब है एबिलिटी टू हैंडल सिचुएशन बहुत स्किल है बहुत डिप्लोमेसी है एडेप्ट है वो

फोबिया फोबिया का मतलब डर जीनो मतलब होता है फॉरेनर्स का डर फॉरेनर फॉरेन पीपल जीनो फोबिया सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आज के टॉपिक्स हैं ओडिशा बंगाल ग्रैपल विद इवैक्यूएशन अहेड ऑफ साइक्लोन हम ड्यूरिंग साइक्लोन वार्निंग और प्री साइक्लोन प्रिपरेशन का मैप देखेंगे माइग्रेंट वर्कर्स का इशू फिर से सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है विल गेट टू नो ये है रेनबो कलरफुल स्काइज विल गेट टू नो कि फिजिक्स क्या होती है रेनबो फॉर्मेशन की कोवैक्सिन का अप्रूवल डब्ल्यू एच ओ नोड लक्षद्वीप आईआईटी दिल्ली का लाइट प्रॉपर्टीज दिस इज मॉस्किटो इन्फेस्टेशन कोविड नाइन्टीन पैंडेमिक तो है ही साथ ही साथ ये जो मॉस्किटोज होते हैं ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रबल है सो विल गेट टू नो वेज टू प्रिवेंट मलेरिया दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ईट वेल देन चिल्ड्रन हज पिलिग्रमेज दिस इज दिस इज अबाउट कैरेक्टर चैलेंज लूजिंग टाइम लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी अफगानिस्तान लीड आर्टिकल है 11 सितंबर 2021 डेट डिसाइड हुआ है कंप्लीट यूएसए विड्रॉवल का और अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर होता है विल गेट टू नो इंडिया के कॉन्टेक्सट में दिस इज पॉक्सो ये वैक्सीन प्रोक्योरमेंट है और ऑन साइट बुकिंग अलाउ होगी कोविड 19 18 प्लस के लिए वुहान लैब ब्लिंकन एफ फ्लो आज हम अच्छे से देखते हैं व्हाट इज दिस फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफ एंड एफ क्या होता है रीजंस फॉर एफ क्या है एफ डी आई के बेनिफिट्स क्या हैं फैक्टर्स क्या हैं मार्केट कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन एंड विल प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ऑन एफ डी आई दिस इज हिंदी आर्टिकल भारत में अभी सुंदरलाल बहुगुणा जी की हमने न्यूज देखी थी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण आंदोलन है विल गेट टू नो ये सी सेट के सोल्यूशन हैं और ये कुछ सवाल हैं सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट टू मिनट रेफरेंस अबाउटी फॉर दिस टूडे इज द हिंदू द हिंदू न्यूज पेपर दहली एडिशन मी लिटिल बिट मोर टाइम सून विल फायर ऑन ऑल सिलेंडर्स ओडिशा बेंगाल ग्रैपल साइक्लोन। ये बात है यास यास विल क्रॉस कोस्ट लैंडफॉल होगा मई 26 को 12 बजे करीब नून में 10 लाख लोगों को सेफ्टी के लिए हमने इवैकुएट किया है दिस इज द गुड थिंग पहले साइक्लॉन्स आते थे तो हम उसका एग्जैक्ट टाइमिंग एग्जैक्ट इंटेंसिटी एग्जैक्ट डेट लोकेशन एट्सट्रा लैंडफॉल का पता नहीं कर पाते थे तो उससे क्या होता था प्रॉपर्टी लॉस तो होता है प्रॉपर्टी लॉस तो फिर भी हम रिकवर कर लेंगे बट लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए ये लाइफ लॉस नहीं होना चाहिए तो थैंकफुली बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी हमको थोड़ा विंडो मिल जाता है मॉनसून और दिस साइक्लोन की प्रिपरेशन का तो हम एटलीस्ट जो ह्यूमन की लाइफ है उसको हम कुछ हद तक सेफ कर लेते हैं फिशरमैन मूविंग नियर चंद्रबा बीच इन ओडिशा ऑन मंडे ओडिशा के बीचेस बड़े फेमस है प्रलिम्स का सवाल है एक ऐसा बीच है यहाँ पे जहाँ जब टाइट जाते हैं तो वो बहुत पीछे दो तीन किलोमीटर तक ऐसे पीछे पानी चला जाता है डिसअपियर हो जाता है ऐसी ये प्रलिम्स का सवाल है उस बीच का नाम क्या है आंसर सी अब यहाँ पे माइगोव ने ये बताया है कि इंडिया ब्रेस कर रहा है साइक्लोन यास ऑन ईस्टर्न कोस्ट ये एक प्रिपरेटरी चेकलिस्ट है कि सेफ्टी के लिए आपको ये दो तीन चीज़ें देखनी है स्टॉक कर लें फ्रेश वाटर साफ पानी पोर्टेबल वाटर बिकॉज वाटर वाटरबॉर्न डिसीजेज बहुत होती है इमरजेंसी किट लें फर्स्ट एड किट लें इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं आपका आइडेंटिटी का एट्सेट्रा मार्कशीट्स वगैरह इस सबको वाटर प्रूफ में करें ताकि डॉक्यूमेंट्स ख़राब नहीं हो ये इस टाइप से इसका इंटेंसिटी और पाथ होना चाहिए ये अभी फाइनल नहीं है हम ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं ये चौबीस मई का अपडेट है दिस इज कोन ऑफ अनसर्टेनिटी अब जैसे फर्स्ट एड किट है तो फर्स्ट एड किट ऐसा कुछ एक रेडी रखना चाहिए जिसमें एसेंशियल मेडिसिन हो जैसे पैरासिटामोल हो इलेक्ट्रोलाइट्स हो ऐसे करके जो एसेंशियल मेडिसिन है कुछ एक टॉर्च वगैरह हो आपका ऐसे रेडी रखना चाहिए कुछ आप ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो ताकि अगर कुछ दिन खाना नहीं मिले तो भी आप सर्वाइव कर पाओ सच टाइप ऑफ थिंग्स तो ड्यूरिंग साइक्लोन वार्निंग में ऐसे सेफ्टी किट रेडी रखना है अब ये किसने जारी किया है एन डी एम ए डॉट जी ओ वी डॉट इन एन डी एम ए का आप ट्विटर हैंडल देखो उसमें बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स बुलेटिनस दिए हैं वीडियोज़ दिए हैं इंटरएक्टिव कि कैसे हमें साइक्लोन में प्रिपरेशन करना है जो हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट देखते हैं ना सब्जेक्ट में लिखा है सिलेबस में वो बहुत कुछ यहीं से प्रिपेयर हो जाता है अगर आप इस वेबसाइट को अच्छे से पढ़ लो एन डी एम ए डॉट जी ओ वी डॉट इन तो दिस इज अबाउट साइक्लोन यास अब जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है माइग्रेंट वर्कर्स का सी ऐसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सेफ्टी नेट में रह के वी कैन से कि माइग्रेंट्स को ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए डू नॉट पैनिक एट्सेट्रा बट जब कोविड जैसी सिचुएशन आती है अनएम्प्लॉयमेंट है अनसर्टेनिटी है और फिर हेल्थ इश्यूज़ हैं और प्रेशर बढ़ रहा है तो कोई भी माइग्रेंट वर्कर जो है वो सब पैनिक करते हैं एंड दिस इज परफेक्टली नॉर्मल दिस इज ह्यूमस्यूम देर माइग्रेंट वर्कर और जब ये पैनिक करते हैं तो सबसे पहले पैनिक सिचुएशन में क्या थाट आता है लेट्स गो बैक टू होम तो दे वॉन्ट टू गो होम टॉप कोर्ट्स हिर्स प्लीज सीकिंग राशन फूड फॉर लेबर तो राशन दें फूड दें यहाँ पे नोटिस किया है इन्होंने कि दे आर स्कैड डरे हुए हैं सभी डरे हुए हैं अनएम्प्लॉयड हैं हंगरी हैं तो माइग्रेंट वर्कर्स में जस्ट वॉन्ट टू गो होम एंड दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल विल हार्डली केयर फॉर द फाइनर ऑफ द नेशनल एंड मिनी लॉकडाउन तो जब ऐसी नौबत आती है ना तो इन सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं सोचता सब अपनी जान का दिस कोशिश करते हैं टू तो सेफ गार्ड तो ये जो लॉकडाउन लगाया है गवर्नमेंट ने इसमें जरूरी है कि इस जो जोर स्कैर्ड है अनएम्प्लॉयड है इनका भी ख्याल रखें स्पेशल यहाँ पे उनको टेक केयर करें कैसे राशन और फूड और जो एसेंशियल सप्लाइज हैं मेडिकल कुछ इक्विपमेंट्स या फिर ट्रीटमेंट चाहिए वी शुड प्रोवाइड देम प्रोवाइड देम उनकी फैमिली जो मरूंड है बिग सिटीज़ में अचानक से लॉकडाउन लग गया खाने के लिए खाने के लिए नहीं है पैसे नहीं है तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम बिग सिटीज़ में ड्राई राशन दें कुक्ड फूड दें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दें अगर दे वॉन्ट टू गो होम तो लास्ट ईयर जैसी सिचुएशन नहीं आए कि सब पैदल ही एक्सोडस देख रहे हैं हम चल रहे हैं धूप में नो वी नीड टू प्रोवाइड दम ट्रांसपोर्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि टाइमली एग्जीक्यूशन हो टाइमली एक्शन लो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है उससे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है कि सी ये माइग्रेंट क्राइसिस हो रहा है सिचुएशन डेवलप हो रही है इसको अर्ली स्टेज पे ही नेसेंट स्टेज पे ही इस प्रॉब्लम को टैकल करें ये साइंस होते हैं अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के सो यू हैव टू थिंग अब ये ऐसी चीज है ना इसमें ह्यूमन वैल्यूज होना जरूरी है जैसे कल एथिक्स का हमने एग्जाम्पल देखा नो no डाउट आप किसी जिले के डीएम हो आपके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है काम भी आपको पंद्रह पंद्रह घंटे करने पड़ रहे हैं बट और फिर ये माइग्रेंट वर्कर भी बात नहीं मान रहे हैं नियम तोड़ रहे हैं वॉट एवर इट इज बट यू आर नॉट रखना है और हमेशा सॉल्यूशन जो होता है ना उसको फाइंड करने की जरूरत है और ये ह्यूमन वैल्यूज भी समझना चाहिए एम्पैथी एंड कंपैशन दे आर स्केर्ड दे आर अनएम्प्लॉयड दे सो यू कैन नॉट चार्ज देम सो यू हैव टू बी वेरी वेरी काइंड एंड ह्यूमैन एट द सेम टाइम रैशनल एंड प्रैक्टिकल यही तो चैलेंज होता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का और उसमें आपको डिलीवर करना है सो दिस इज माइग्रेंट वर्कर्स अब जो है कलरफुल स्काइज कलरफुल स्काइज बिफोर दैट मस्ट इन्श्योर ज़ीरो कैजुअल्टी और ये चीज़ हमेशा टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए एवरी थिंग कैन वेट बट लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए मस्ट इन्श्योर जीरो कैजुअलिटी कलरफुल स्काइज है ये कैलाइडोस्कोप इफेक्ट है सी ये रेनबो कलर्ड हालो है इसको ऐसे बोलते हैं ये जो ऐसे बनता है ना हम आर्ट एंड कल्चर में भी देखते हैं बुद्धा का ऐसे एक स्टैचू होता है और उसके चारों तरफ ऐसे हालो बनता है तो ये बना है सन इन द मॉर्निंग बैंगलोरु में ऑप्टिकल फिनोमिना है लाइट इंटरक्ट्स विद आइस क्रिस्टल्स इन द एटमोसफियर ये भी प्रलम्स का सवाल है दो हज़ार तेरह की रेनबो फॉर्मेशन में कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं तो रेनबो फॉर्मेशन जैसे हमने लाइट देखा लाइट में होता है ये विब ग्योर विब ग्योर वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन ऐसे करके ये पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है स्पेक्ट्रम इसमें जो विजिबल लाइट है 400 हंड्रेड टू एट नैनोमीटर रेंज अराउंड तो ये अलग अलग ऐसे स्प्लिट हो जाती है ये विब ग्योर करके ऐसे बन जाता है तो ये सात कलर का ऐसे बनता है रेनबो तो ये सनलाइट आई ड्रॉप है पानी की बूंद है उसमें रिफ्रैक्शन हुआ रिफ्रैक्शन का मतलब होता है बेंडिंग ऑफ लाइट लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रेवल करती है तो वो बेंड हो जाती है तो दैट तो इज रिफ्रैक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है टी आई आर इसमें क्या होता है लाइट सेम मीडियम में ही वापस ऐसे मुड़ जाती है टी आई आर फिर रिफ्रैक्शन होगा तो यहाँ रिफ्लेक्शन भी होता है रिफ्रैक्शन भी, भी होता है और टी आई आर भी होता है और ऐसे करके बनता है रेनबो फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है कि लाइट डेंसर मीडियम से लाइटर मीडियम में जा रही है पानी डेंसर है हवा लाइटर है तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होगा टी आई आर से तो वो वापस जो डेंसर मीडियम है लाइट वहीं पर अंदर ही मुड़ जाएगी तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये बहुत यूज़ होता है दिस कॉम्युनिकेशन में ऑप्टिकल फाइबर कॉम्युनिकेशन में तो ये तीनों कॉन्प्ट है रिफ्लेक्शन भी है रिफ्रैक्शन भी है और टी आई आर भी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी है अब आगे बढ़ते हैं दिस इज न्यू लैंड रेगुलेशन पार्क प्रोटेस्ट इन लक्षद्वीप लक्ष्यद्वीप लक्षद्वीप में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन उठ रहा है लक्षद्वीप क्या है ग्रुप ऑफ आईलैंड है ये यूनियन टेरेटरी है इंडिया का ये यहाँ पर है केरला यहां पे भी वायरस का थ्रेट है और न्यू लैंड रेगुलेशन में यहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं बट लॉकडाउन लगा हुआ है तो वो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते दिस इज द थिंग ये बात है डी जी सी ए ने यहाँ पे क्रू को ऐसे वार्निंग दिया है कि एक्चुअली क्या हुआ दे दीज कप दी दे गॉट मैरिड ऑन बोर्ड फ्लाइट में चार्टर्ड फ्लाइट फ्रॉम मदुरई ऑन मंडे ये ऐसे सीन्स आजकल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं सोशल मीडिया में भी पॉपुलैरिटी एट्सेट्रा बट वन थिंग एवरीबडी इग्नोर्स और वो होता है सेफ्टी सेफ्टी फ्लाइट में सेफ्टी पैरामाउंट होती है एयर में कई बार एयर पॉकेट्स आ जाते हैं डिस्टर्बेंस होता है टर्ब्यूलेंस होता है तो जस्ट फॉर द डूइंग दिस थिंग वी शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी अक्सर सोशल मीडिया में भी ऐसा होता है यंगस्टर्स होते हैं इवन एल्डर्स भी ऐसी मिस्टेक करते हैं उनको सेल्फी लेना है या फिर कहीं सीनिक जगह पे जाएंगे नेचुरल जगह पे और वहाँ पे रिस्क भी रहता है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ द सोशल मीडिया कुछ ऐसा स्टंट दिखाने के लिए दे कॉम्प्रोमाइज़ विद देयर सेफ्टी और फिर एक डिज़ास्टर हो जाता है टू बी वेरी वेरी केयरफुल यहाँ पे दिस डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एवियेशन ने स्ट्रोंग ऑब्जेक्शन लिया है कि सेफ्टी का ऐसा एयर में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए दूसरा कोविड नाइनटीन का भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुआ था तो दिस इज दिंग रिकॉर्ड फूड ग्रीन एक्सपोर्ट अमेड हंगर एक आगे ये न्यूज है और वोट लिमिट फंक्शन स्टिल न्यू डेटा व्हाट्सएप ने भेगा सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू कोवैक्सिन का रिव्यू प्रोग्रेस में ये कुछ ही दिन में अप्रूवल मिल जाएगा नाइन्टी परसेंट पेपर वर्क डन हो गया है अननेसेसरी हाइप करने का कोई सेंस नहीं है दिस इज आई आई टी दिल्ली सेंटर टू स्टडी लाइट प्रॉपर्टी लाइट लाइट जो होती है लाइट पार्टिकल नेचर भी दिखाती है और वेव नेचर भी दिखाती है तो लाइट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली ने मंडे को ये अनाउंस किया कि वो ऑप्टिक्स एंड फोटोनिक सेंटर बना रहे हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लाइट और हार्नेस करें उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ये चीज यहाँ पे ये सीखने की कोशिश करेंगे नियर फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ से क्या होगा क्वांटम टेक्नोलॉजी कंप्यूटिंग में एक्सपर्टीज आएगा तो दिस इज काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन राइट डायरेक्शन देन पुलअप योर सॉक्स एक्ट ऑन मॉस्क्यूटो इन्फेस्टेशन ये जो वर्ड है फ्रेजल वर्ड है इसका मतलब है कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ इट्स टाइम फॉर एक्शन बिकॉज मॉस्किटो इन्फेस्टेशन बढ़ रहा है जैसे ही मॉनसून का टाइम आता है वैसे ही मलेरिया के केसेस भी बढ़ जाते हैं हाई कोर्ट सीक्स रेस्पॉन्स फ्रॉम अथॉरिटीज मलेरिया मलेरिया कैसे होता है ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो से होता है मॉस्किटो मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं ये इनसाइड द बॉडी डेवलप होंगे और ये बॉडी को डैमेज करते हैं और इस तरीके से मलेरिया हो जाता है सो दिस इज मलेरिया मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसके और भी डिफरेंट डिफरेंट वेरियंट हो सकते हैं अलग अलग मच्छर से सो दिस इज मलेरिया अब मलेरिया को रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्पेशली दिल्ली तरफ नॉर्थ में मलेरिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है तो मलेरिया होता है मॉस्किटो से तो अगर मॉस्किटो ही नहीं रहेंगे तो मलेरिया भी नहीं होगा तो लाइन ऑफ एक्शन ये होता है कि मॉस्किटो ब्रीडिंग को रोकें और अगर मॉस्किटो हैं तो उसका बाइट को स्टॉप करें उसके लिए क्या करें गेट हाउसेस फिटेड विद वायर मैश मच्छरदानी होती है मच्छर का बचाव मच्छर से बचाव वियर लॉन्ग स्लीव अक्सर आप शाम को पार्कस में जाते हो घूमने जाते हो लॉन्ग स्लीव्स पहने ताकि आप बाइट से बच सके स्लीप अंडर बेड नेट्स ट्रीटेड विद इंसेक्टीसाइड्स यूज मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स लिक्विड्स कॉयल्स मैट्स इन सबको यूज करें और सबसे इंपॉर्टेंट है अवॉइड स्टोरेज ऑफ वाटर इन टायर्स पॉट्स कूलर्स एंड टैंक्स avoid this water stagnant नहीं होने देना है वैसे भी कहा जाता है stagnant water stinks तो इसीलिए लाइफ में भी कभी रुक के नहीं रह जाना चाहिए कीप मूविंग कीप मूविंग stagnant water stinks so this is ways to prevent malaria ये बड़ा इंपॉर्टेंट है अब सी जैसे ये इंफोग्राफिक देखा हमने नेशनल हेल्थ पोर्टल का रीजन आई ट्राई टू शेयर सच टाइप ऑफ इंफोग्राफिक इज दैट यू स्टार्ट लर्निंग दिस लैंग्वेज जैसे आपको एक सवाल पूछा इंटरव्यू में ही पूछा कि आप मलेरिया को कैसे स्टॉप करोगे इंस्टेट ऑफ बींगरबोज वर्बोज लोग क्या होते हैं जो एक सेंटेंस को बोलने के लिए चार सेंटेंस यूज करते हैं वर्बोसिटी नहीं दिखाना है सीधा टू द पॉइंट बताइए पॉइंट नंबर वन ये होगा पॉइंट नंबर टू ये होगा पॉइंट नंबर थ्री पॉइंट नंबर फोर पॉइंट नंबर फाइव राइटिंग में भी अगर आप ये हैबिट डेवलप करेंगे ना तो ये बहुत रिवॉर्डिंग होगा सीधा टू द पॉइंट आंसर लिखना कुछ सवाल होते हैं जहाँ पे टू द पॉइंट है जैसे वेज टू प्रिवेंट मलेरिया इट डिपेंड्स सर्टेन क्वेश्चन में ये चीज़ काफ़ी हेल्प होती है आंसर में आपका टाइम सेव होगा और साथ ही साथ आप ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे और क्वालिटी इज मोर देन क्वांटिटी ये पेपर के शुरुआत में ही लिखा होता है इट डजेंट मैटर आपने दो पन्ने भर दिए क्या लिखा है वो ज़्यादा मैटर करेगा सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस इस पर ऐसे भी आया था वॉट यू अंडरस्टैंड इट इससे आप क्या समझते हैं एस्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पेंडेमिक जैसे अभी हमने देखा कोविड ट्रीटमेंट होने के बाद भी म्यूकोमाइकोसिस और फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं वाई बिकॉज ऑफ क्लीनलीनेस नहीं है सो क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस वॉट यू अंडरस्टैंड इट इसमें आप स्वच्छ भारत मिशन लिख सकते हो गवर्नमेंट की स्कीम्स का मैंशन करिए इनिशिएटिव्स का मैंशन करिए कुछ एक आप अपने से बना के बताइए कि आपकी सोसाइटी में आप कैसे कर सकते हैं क्या चीज़ें आप बेटर करना चाहेंगे आइडियाज दीजिए वॉट डू अंडरस्टैंड बाई इट एस्पेशली ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ पैंडमिक थिंक ये जो सवाल है ना ये सब्जेक्टिव सवाल है इसमें कुछ सही कुछ गलत नहीं होता है आप अपना बहुत क्रिएटिविटी और टैलेंट मिला हुआ है सेट रोबोट की तरह नहीं लिखना है वरना सभी एक जैसे आंसर लिखने लग जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि ये वेल well ट्रेंड है ओरिजिनल नहीं है सो द पॉइंट इज थिंक बी योर और कुछ राइट right रॉन्ग नहीं है सिलेबस के आसपास लिखना है आप अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन रखिए ट्रस्ट मी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे जो एग्जाम कॉपी चेक करता है ना वो अप्रिशिएट करता है इन चीजों को सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे बी योर सेल्फ दोज हैव बीटन कोविड नाइन्टीन मस्ट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ ईट वेल ना दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना जरूरी है ये मॉस्किटो इन्फेस्टेशन था ये नेक्स्ट पेज है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन जो है इसको स्टडी करने की बात है गुड थिंग नाउ सी दोज हु हैव बीटन कोविड 19 मस्ट फोकस ऑन मेंटल हेल्थ एंड ईट वेल ये बात है पोस्ट कोविड रिकवरी जो फर्स्ट फेज था ना उसमें यूजुअली ऐसा था कि एक दो दिन में रिपोर्ट नेगेटिव आई फिर पेशेंट विद इन अ वीक बेटर फील करना स्टार्ट हो जाता था बट इथ सेकेंड वेव में ये देखा गया है कि इवन मंथ लग रहा है रिकवर होने में और फिर भी कुछ पोस्ट कोविड सिम्टम्स नजर आ रहे हैं सो यू हैव टू बी लाइक वेरी केयरफुल विथ योर हेल्थ 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 इज वेल्थ हेल्थ को अच्छा रखना है रेस्पेक्ट करना है अपनी बॉडी का यू शुड बी रेस्पेक्टफुल टूवर्ड्स योर बॉडी एंड लिसन टू योर बॉडी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना जरूरी है अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स अननेसेसरी जो चीज़ें होती है जस्ट डोंट गेट इन्वॉल्व यू शुड बी वेरी केयरफुल अपने मेंटल हेल्थ का एंड ईट वेल डाइट अच्छी रखना है एंड एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है सो दिस इज़ द थिंग खुद को रेस्पेक्ट करना सीखिए रेस्पेक्ट योर सेल्फ योर बॉडी सो दिस इज अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ईट वेल देन इतने चिल्ड्रन वेंट मिसिंग वेरी पेनफुल जे जुलाई 2020 में और कोविड 19 के कारण और ट्रबल हो गई है तो इसीलिए जो चाइल्ड एडोपशन है उसमें हमने नंबर भी देखा था यहाँ हमें कॉल करना है चाइल्ड एडोपशन जो है उसको भी रेगुलर चैनल के थ्रू हमें देखना है और इसमें ना कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है इस प्रेजेंट पे तो हमें उसके लिए भी अलर्ट रहना है और उसको स्टॉप करना है चेक करना है देन दिस इज अबाउट इंडियंस मे गेट चांस फॉर हज पिलग्रिमेज सऊदी अरेबिया ने अनाउंस किया है स्ट्रिंजेंट कोविड नाइनटीन नॉर्म्स लास्ट ईयर यहाँ पे काफी डिफिकल्टी था बिकॉज ऑफ कोविड नाइनटीन इस बार भी डिफिकल्टी है बट इस बार वैक्सीनेशन के बाद और 18 साल से ऊपर और 60 साल से कम केवल इसी एज ब्रैकेट को हज पिलिग्रम के लिए अलाउ किया जाएगा बिकॉज कोविड का क्राइसिस अभी भी है तो ये यहाँ पे नंबर है अराउंड फिफ्टी थाउजेंड यहाँ पे फाइव थाउजेंड यहाँ पे नंबर दिया गया है और अब आगे बढ़ते हैं ये एडिटोरियल है कैरेक्टर चैलेंज यहाँ रेगुलर टॉक्स है अभी कल परसों ही ट्विटर का जो ऑफिस है वहाँ पे गवर्नमेंट ने उसको बोला था कि जो इंडियन वेरिएंट के नाम से कोविड का जो न्यूज़ चल रहा है उसको रिमूव करें वो कंटेंट ट्विटर ने फॉलो नहीं किया तो ऑफिस में यहाँ पे दिस गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंक्वायरी किया तो सेंटर का जो डायरेक्टिव है ट्विटर टू रिमूव मैनुपलेटेड मीडिया टैग ऑन पोस्ट इज इीगल अब सी ये जो अक्सर डिबेट आती है ना टेक्नोलॉजी कंपनीज का और गवर्नमेंट का इसमें भी कुछ भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होता ये नहीं होता कि ये जो टेक्नोलॉजीज कंपनीज हैं ये एकदम क्लीन चिट है ये भी नहीं होता कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो भी एकदम क्लीन चिट है इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट एक बैलेंस मतलब एक रूल ऑफ लॉ होना ज़रूरी है अदरवाइज कई बार ये जो टेक्नोलॉजीज कंपनी है ये रूल्स में लॉज में जो लूप होल्स होते हैं उसका अनड्यू एडवांटेज उठाती है बिकॉज दे आर अ कैपिटलिस्ट वर्ड दे आर जस्ट सिंपली अ कंपनी इनका कोई अथॉरिटी नहीं है कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है एट द सेम टाइम समटाइम्स गवर्नमेंट इन टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को रीन करने की कोशिश करती है जैसे यूएसए में देखा था ट्रंप वर्सेज ट्विटर का जो केस हुआ था सो so, इस पूरे बैकड्रॉप में डेटा और प्राइवेसी भी जो है द पॉइंट इज़ कि क्लियर कट लॉज होने चाहिए क्लियर कट पॉलिसीज होनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी कंपनीज की भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए वरना टेक्नोलॉजी कंपनी का क्या अप्रोच होता है ये वो कंटेंट को प्रमोट करते हैं जो कंटेंट ज़्यादा वायरल हो और वायरल चीज़ें एक तो अच्छी चीज़ें वायरल होती है जैसे कुछ वीडियोज़ एंड ऑल फूड एंड एट्सेट्रा किड्स एनिमल्स एट्सेट्रा सेकेंड पॉजिटिविटी वाले सेकंड जो ज़्यादा वायरल होती है वो होती है नेगेटिव नेगेटिव ज़्यादा बिकता है तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजीज कंपनी होती है ना ये अक्सर नेगेटिव कंटेंट को भी प्रमोट करती है बट समाइम्स दे वॉन्ट टू कीप अ चेक तो ये बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाती है चीज़ें इसमें ज़रूरी है कि क्लियर कट लॉज हो प्राइवेसी जरूरी है अकाउंटेबिलिटी भी ज़रूरी है अकाउंटेबिलिटी कंटेंट क्रिएटर की भी होनी चाहिए जिसने वो कंटेंट क्रिएट किया है एट द सेम टाइम प्लेटफॉर्म जो है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ऐसा नहीं कि प्लेटफॉर्म सारी जिम्मेदारियों से हट जाए कि ये तो कंटेंट क्रिएटर की जिम्मेदारी है मेरी नहीं नो प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर की भी जिम्मेदारी है और कंटेंट क्रिएटर की भी जिम्मेदारी है अकाउंटेबिलिटी प्लस सेंसरशिप भी एक टॉपिक है जो गवर्नमेंट अक्सर सेंसरशिप लगाती है ट्रांसपेरेंसी एंड रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट अगेन इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट ऐसा नहीं है देयर हैज टू बी अ बैलेंस तो देयर हैज टू बी अ बैलेंस ये जो पिलर्स हैं ये चेक करना जरूरी है प्राइवेसी अकाउंटेबिलिटी सेंसरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी देन दिस इज लूजिंग टाइम पुडुचेरी एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट की जरूरत है वॉट इज पुडुचेरी पुडुचेरी जैसे दिल्ली की विधानसभा है ऐसे पुडुचेरी की भी विधानसभा है पुडुचेरी भी यूनियन टेरेटोरी है पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनिकैमरल है मतलब एक ही है लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है केवल विधानसभा है यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है इंडियन यूनियन टेरेटोरी ऑफ पुडुचेरी पुडुचेरी का मतलब पुडुचेरी कराईकल माहे और यनम ये चार डिस्ट्रिक्ट इसकी पुडुचेरी के पुडुचेरी में तैतीस सीट्स होती है जिसमें तीस डायरेक्टली इलेक्टेड होती है जिस पे अभी चुनाव हुए तीन नॉमिनेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है आर्टिकल 239 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर एलजी ऑफ दिस जी ऑफ दिस पुडुचेरी अब जैसे दिल्ली में एलजी वर्सेस सीएम फाइट होती है ऐसे पुडुचेरी में भी एलजी वर्सेस सीएम अक्सर क्लैशे हो जाते हैं दिस इज एग्जिट अफगानिस्तान एट द क्रॉस रोड अब सी अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेवियार्ड ऑफ एम्पायर एम्पायर अफगानिस्तान यहाँ पे मंगोल्स आए पिट गए टर्क आए पिट गए ब्रिटिश आए पिट गए यूएसएसआर आया वो भी डिस हो गया अभी यूएस जो आया था करीब 20 साल होने के बाद अब यूएस को लग रहा है कि इट वाज अ ह्यूज मिस्टेक तो यूएस अब अपना फेस सेविंग मेजर से समहाउ अफगानिस्तान से पुल आउट करना चाहता है नो योर सेल्फ नो योर एनिमी बट अब ऑल नो द ट्रेन अफगानिस्तान की जो टरेन है यहाँ के लोकल पीपल है यहाँ का कल्चर है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो फॉरेनर्स आके यहाँ पे इसको विन नहीं कर पाते इसीलिए इसको ग्रेव ऑफ एम्पायर बोला गया अब बात है यूएस का पुलकडा जैसे इंडिया एंड पाकिस्तान में हमने देखा ब्रिटिशर्स को लगा कि चीजें बहुत डिफिकल्ट हो रही है उन्होंने रैंडम डेट बनाया पहले 1948 का फिर रैंडम डेट बना दिया कि 1947 15 अगस्त को हम विड्रॉ कर लेंगे और सारा काम इतना वे में किया जो रेड क्लिफ लाइन थी वो डिफाइन नहीं हुई ना पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन में इन्होंने सफिशेंट टाइम दिया अफरा तफरी मच गई और इसके कारण कन्फ्यूजन हुआ चीज़ें इतनी बिगड़ गई कि कॉम्यूनल राइट्स होने लग गए एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वी लॉस्ट वाई बिकॉज ऑफ दिस अंग्रेज दिस ब्रिटिश सारे जो जड़ है ना वो ये ब्रिटिश है इनकी पुअर पॉलिसीज अब ब्रिटिश मतलब यूएसए वाले भी यूएस ब्रिटिश क्लोज टाइज यूएसए का भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यूएसए के कदम जहाँ पे पड़ते हैं ना वो चीज खराब हो जाती है इराक में देखा ईरान में देखा अफगानिस्तान में देखा इधर सीरिया तरफ देखा वाई बिकॉज ऑफ पुअर पॉलिसीज इनकी पॉलिसीज बहुत पुअर होती है कंटूर्स ऑफ द एंड गेम इन अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर हुआ यूएस पुल आउट हुआ अब यूएस के जो इतने टाइम से इनकी पॉलिसी रही है कि हम ये तालिबान से बात करने के लिए भी रेडी हो गए थे बट उसके भी रिजल्ट नहीं आए अब दे जस्ट सम हाउ वॉन्ट्स टू पुल आउट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट अफगानिस्तान एंड अदर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इसके नतीजे कॉन्सिक्वेंसेस पूरे रीजन पे इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया चाहता है कॉर्डियल और प्रैगमेटिक होना सॉफ्ट पावर यूज़ करें वेलफेयर ह्यूमैनिटेरियन अफ़गानिस्तान को हमने हमेशा सपोर्ट किया है अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया में ही रहती है यहीं प्रैक्टिस करती है हमारी एक और पॉलिसी है नो बूट्स ऑन ग्राउंड सोल्जर्स को हम यहाँ पे नहीं भेजते हैं हम अब यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन एंगल और सॉफ्ट पावर और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको प्रमोट करना चाहते हैं एंड वी वॉन्ट स्टॉप वॉर इसके बारे में और डिटेल में हमने नौ मार्च को बात किया था नाइन्थ ऑफ मार्च को अफगान का एंड गेम गेमुक नाइन्थ मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में जो भी पीस आए वो अफ़गान लेडो अफ़गान ओंडो तो इससे ड्यूरेबिलिटी रहेगी डिजायरेबल रहेगी अदरवाइज इन फाइटिंग यहाँ पे बनी रहेगी अफगानिस्तान में भी बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स हैं देन तालिबान है देन फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है और फिर फॉरेन पावर्स भी हैं सबके इंटरेस्ट है, है चाइना भी बहुत पैसा लगा के बैठा है तो इसीलिए लिए यहाँ स्टेक होल्डर्स हैं उसमें कंसेंसस बनना ज़रूरी है 11th of September 2021 को complete withdrawal की बात है. है. है अभी चल रही अफगानिस्तान अब इतने पूरे टाइम पे क्या गेन हुआ अफगानिस्तान का वैसे ही डिस्ट्रक्शन हुआ था और ज्यादा ये पुश हो गया है पॉवर्टी एंड दिस वॉर टोन एरिया में दिस इज़ द थिंग दिस इज़ द रियल प्रॉब्लम जो जियो पॉलिटिक्स में होती है एंड दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू से जो जैसे इज़राइल और फलस्तीन में भी हो रहा है ना दिस इज़ ऑल्सो समथिंग लाइक दिस ओनली सो ये एक बात है इंडिया का स्टैंड हमें यहाँ पर यही लिखना है कि हम अफगान लेड और अफ़ग़ान बात करते हैं एंड अफ़गानिस्तान इज़ अ डियर कंट्री फॉर अस सो दिस इज़ अफ़ानिस्तान एट द क्रॉस रूड्स ये है सिंगल ग्लोबल टेंडर फॉर वैक्सीन प्रोक्योरमेंट अब ये बात है कि वैक्सीन जैसे फाइजर मॉडर्ना से लेना है तो राज्य अपने स्तर पे वैक्सीनेशन प्रोक्योरमेंट करे या फिर सेंटर उनको प्रोक्योर करे और राज्यों को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूट करे जो सेंटर प्रोक्योरमेंट करेगा तो ये सस्ता पड़ेगा इकोनॉमी ऑफ स्केल्स और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा सारे राज्यों में बिकॉज महाराष्ट्र गुजरात ये बड़े रिच स्टेट्स हैं तो ये तो प्रोक्योर कर लेंगे बट वॉट अबाउट झारखंड वॉट अबाउट नॉर्थ ईस्ट स्टेट वॉट अबाउट उत्तराखंड तो वी नीड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ये बात है द स्केल ऑफ गुजरात मोरटेलिटी क्राइसिस सिंगल ग्लोबल टेंडर जरूरी है ये बात है पॉक्सो प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम ऑफेंसेज ऑफ सेक्शुअल असोल्ट सेक्शुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें विजिलेंट होने की जरूरत है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेंसिस एक्ट पॉक्सको ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है अभी कुछ टाइम पहले इसमें क्रिटिसिज्म इस बात पे हुआ था कि एक कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जो इंटरप्रटेशन है कि एक ऑफेंडर था बट वहाँ पे स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ तो क्या उस केस में उसको स्कॉट फ्री कर दे बिकॉज वो लॉ के अंदर नहीं आ रहा है इस बात पे ये डिबेट हुआ कि जो लॉज है उनको भी समय के हिसाब से चेंज होना चाहिए अपडेट्स आर रिक्वायर्ड आईपीसी होता है पीनल कोर्ट इंडियन पुलिस तो ये जेनेरिक है ये मतलब हर टाइप के क्राइम्स है ना उसके लिए हो जाएगा ये देन पॉक्सो जो होता है ये स्पेसिफिक होता है है चिल्ड्रन के लिए यूएन कन्वेंशन राइट्स ऑफ द चाइल्ड रेटिफाई किया इंडिया रिक्वायर्ड है, है ये इंटरप्रटेशन विच डायलूट प्रोटेक्शन टू चिल्ड्रन मस्ट बी डिक्लेयर अल्ट्रा वायर ये स्टैंड होना चाहिए हिस्टोरिकल चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज में ये बात है इस लॉ में एक और लूप होल है कि 2012 के पहले के केसेस हैं उसका अलग इंटरप्रिटेशन होगा तो इस चीज़ का भी हमें यहाँ पे चेक करना है बिकॉज इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि चिल्ड्रन उस टाइम पे हो सकता है वो टेरराइज हो गया हो सकता है वो डर गया उसने बताया नहीं रिपोर्ट नहीं किया बाद में तो बाद में भी फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी सेट होना चाहिए ये यह यहाँ पे बात है द होल आइडिया इज वी नीड वी डोंट नीड टू डायल्यूट दिस लॉ इंस्टेट वी नीड टू स्ट्रेंथन दिस पॉक्सो ऑन साइट बुकिंग होगा एटीन प्लस के लिए कोविन फीचर एनेबल बिकॉज वैक्सीन का वेस्टेज भी हो रहा है बहुत ज्यादा यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग भी हो रही है कुछ जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस है वो ऐसे सॉफ्टवेयर वगैरा लगा के सारे स्लॉट्स तुरंत बुक कर लेते हैं और फिर जब स्लॉट तो बुक हो गए फिर वहाँ पे कोई पर्सन अगर गया नहीं वैक्सीनेशन के लिए तो फिर वैक्सीनेशन वेस्टेज भी होता है एफिशिएंसी नहीं आ रही है तो ऑन द स्पॉट अभी बात हो रही है चेंज होने की ये वैक्सीनेशन की प्रॉब्लम भी अभी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएगी प्रोडक्शन अप हो रहा है काफी देन दिस इज पोस्ट पोल वायलेंस जयशंकर साहब हाई पावर्ड पैनल अभी सी डायरेक्टर का जो है नेक्स्ट सी डायरेक्टर उसका अभी सलेक्शन के लिए पैनल आ रहा है व्हाट्सएप की पॉलिसी है और प्रोवाइड फूड राशन टू स्टैंडर्ड वर्कर्स रिकॉर्ड फूड ग्रेन है डायबिटिक शुगर कंट्रोल करना है ये दो वाइट क्रिस्टल्स है ना इनको जस्ट कीप वेरी वेरी चेक रखिए इनको चेक पे रखिए एक तो सॉल्ट सॉल्ट से क्या होता है ब्लड प्रेशर हाई होता है बहुत सॉल्ट इज बैड एक लिमिट के बाद सॉल्ट इज बैड सिमिलरली जो शुगर है ये भी वाइट क्रिस्टल है इससे डायबिटीज जैसी चीजें होती है तो शुगर इज ऑल्सो बैड ज़्यादा नमक भी नहीं खाना है और ज़्यादा शक्कर भी नहीं खानी है इन दोनों चीज़ों पे कंट्रोल करना है देन ऑन साइट बुकिंग अलाउड फॉर एटीन प्लस एयर इंडिया पायलट कंपनसेशन की बात कर रहे हैं कोविड ऑल दो केसेस तो कम हुए हैं बट कैजुअलिटीज अभी भी बहुत हाई है वुहान लैब स्टाफ ये फिर से न्यूज में आया है सी ये जो वुहान का है ना एक जनवरी 2020 से आई स्टार्ट मेकिंग न्यूज़पेपर वीडियोस 2020 और ये नवंबर दो ये जो वुहान वायरस इंडिया में आया चाइना कोविड इसको मैंने ना डे वन से कवर किया है जब पहला केस आया था ना केरला में तब से इसका डेली बात किया है हमने और डेली देखा है कि कैसे चीज़ें इवॉल्व होती है इसीलिए इतना पढ़ने के बाद मैं यही बोलता हूँ बहुत ज़्यादा डवेल्व नहीं करिए कोविड नाइन्टीन न्यूज़ में किसी को अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है हर दिन न्यूज़ बदलती है हर दिन स्टेटमेंट बदलते हैं अभी जैसे ये एक और स्टेटमेंट है वुहान लैब स्टाफ फेल सेकेंड नवम्बर टू थाउजेंड ये डब्ल्यू एच ओ मीटिंग में बताया देर इज अ पॉसिबिलिटी देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि ये एक बायो वॉर तो नहीं है बायो वॉर बिकॉज पूरा वर्ल्ड सफर कर रहा है एक्सेप्ट चाइना हाउ इज दैट पॉसिबल और चाइना ने ब्लैंकेट बैन लगा रखा है कुछ डिटेल्स भी नहीं दे रहा है डब्ल्यू एच ओ है यह भी काफी कॉम्प्रोमाइज नजर आया है चाइना के साथ लेट लेटेस्ट सी अभी इस पर कमेंट नहीं देना चाहिए बट दिस इज दैर और अगर ऐसा ट्रुथ है कि ये चाइना का बायो वॉर था तो अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है पेनल्टी लगाना जरूरी है हमारी इकोनॉमीज़ खराब हो गई इतने लोगों की जान चली गई अकाउंटेबिलिटी सेट करना जरूरी है देन ये बेलोरस में इमरजेंसी लैंडिंग करवाया प्रेसिडेंट वहां के हैं लुका म्यांमार सू की डिफाइंड है अफगानिस्तान सिक्योरिटी ब्लिंकन अभी वेस्ट एशिया सी ब्लिंकन वेस्ट एशिया जा रहे हैं टू तो पुश पीस स्टॉक्स आफ्टर गाजा सीज फायर लेट एस सी नेपाल जिस नेपाल में भी सिचुएशन अभी बहुत चैलेंजिंग है क्राइसिस टाइप सिचुएशन है उसको वैक्सीनेशन एंड हेल्प की काफ़ी ज़रूरत है एफ फ्लो क्रॉस हुआ 81 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 21 में डॉलर्स आ रहे हैं अच्छी बात है दिस इज एफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अब सी एफ जो हुआ दस परसेंट बढ़ा दो में एट्टी बिलियन डॉलर आया ये रिकॉर्ड हाई है राइज हुआ 19 परसेंट राइज 60 बिलियन कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बताया तो एफ डी आई डोंट इन नंबर इज एफ डी आई का राइज हुआ है अब एफ डी आई कहाँ से आता है सिंगापुर इमर्ज एज द टॉप इन्वेस्टर सिंगापुर क्यों क्योंकि ये टैक्स हेवन है यहाँ पे लॉज ईजी होते हैं तो कंपनीज कई बार पैसे राउट करती है फ्रॉम सिंगापुर और मॉरिशियस लाइक दैट थर्ड ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट यहाँ से आया फिर यूएस से भी इन्वेस्टमेंट आया 23 परसेंट और मॉरिशियस ये टॉप में तो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ से आया बट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कहाँ जाता है ये तीन बड़े राज्य हैं हमारे गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटका ये टॉप थ्री है ज़्यादातर जो पैसा आता है एफ आता है वो इन्हीं राज्यों में आता है तो इसीलिए वैक्सीनेशन में एक इक्विटी होना ज़रूरी है बिकॉज़ गुजरात के साथ आप नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट कॉम्पीट नहीं कर सकता महाराष्ट्र के साथ से नॉर्थ का कोई स्टेट कॉम्पीट नहीं कर सकता जम्मू कश्मीर हिमाचल हरियाणा नो दे कैन नॉट कम्पीट ये बड़े रिच स्टेट्स हैं कर्नाटका सुपर रिच स्टेट है तो ये एफ डी आई मैगनेट है बिकॉज यहाँ पे एक तो टेक्नोलॉजी भी है अर्ली कॉमर्स की अवेलेबिलिटी भी है और पॉलिसीज वगैरह इनका ट्रेडिशनली अच्छा रहा है बिजनेस के लिए तो यहाँ एफ डी आई ज़्यादा आती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और रबर गुड रिटेल ट्रेडिंग ड्रग्स फार्मास्यूटिकल इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स इनमें एफ डी आई आई है अब दो चीज़ होती है एक होता है एफ डी आई एक होता है एफ पी आई एफ का मतलब है कंपनी बाइंग और बिल्डिंग अ फैक्ट्री इन अनदर कंट्री फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बाहर की कोई कंपनी है वो इंडिया में आएगी मैन्युफैक्चरिंग करेगी प्लांट लगाएगी इन्वेस्टमेंट करेगी टेक्नोलॉजी करेगी ये चीज़ एफ है और केवल स्टॉक में अगर पैसा लग रहा है इक्विटी में तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में अगर केवल पैसा आ रहा है स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में तो वो कहलाता है पोर्टफोलियो तो ये होता है हॉट मनी ये जल्दी आता है तो जल्दी चला भी जाता है बट ये ज़्यादा डेवलपमेंट लाता है तो वैसे तो हमको दोनों की जरूरत है बट अगर चूज करना पड़े तो वी प्रेफर एफ डी में पैसा आएगा तो ज़्यादा ग्रोथ होगी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी होगी अब रीजंस क्या होते हैं एफ के जैसे बाहर की कोई कंपनी है उसको गेन करना है क्लोजर प्रॉक्सिमिटी इंडिया में बिजनेस है कस्टमर्स इंडिया में है तो वो सोचेगी इंडिया में ही प्रोडक्शन करें और इंडिया में ही सेल कर दें एफिशिएंसी कई बार वो टैरिफ टैक्स बचाने के लिए एफ दूसरे कंट्री में शिफ्ट करते हैं टैक्स बर्डन के लिए टैरिफ टैक्स बर्डन तो ये कुछ रीजंस है एफडीआई के अब एफडीआई का फैक्टर्स क्या है जैसे महाराष्ट्र में ही क्यों ज्यादा एफडीआई आती है कर्नाटका में ही क्यों आती है गुजरात में ही क्यों आती है वहां का डोमेस्टिक मार्केट अब ओवरऑल इंडिया का देखें तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट का है जो विनर है लोग उसी पर तो पैसा लगाएंगे बिजनेस फैसिलिटेशन मेजर्स क्या है इसीलिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लाते हैं पोलिटिकल स्टेबिलिटी है यानी नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ओपन इकोनॉमी है या नहीं है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी और करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी भी एक टर्म होता है तो दिस इज डिग्री ऑफ ओपननेस वहाँ पे टैरिफ ट्रेड वगैरह वर्ल्ड इकोनॉमी से कितना इंटीग्रेटेड है ये चीज़ें डिसाइड करती है एफ को तो फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अप्रोज क्या हुए इन्वेस्टर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है लॉन्ग टर्म लैंडिंग बढ़ रही है और फाइनेंस मिल रहा है हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है बट कॉन्स भी हैं कि सूटेबल नहीं है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज के लिए और इन्वेस्टर्स मोरल अटैचमेंट कम होता है अनएथिकल एक्सेस लेने की भी कोशिश करते हैं दीज आर सम प्रोज एंड कॉन्स फल फर्दर देखें तो मार्केट में ये सारे टर्म्स इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन जी पर कैपिटा जी कंट्री की क्या है ग्रोथ रेट कैपिटल में देखें कॉस्ट सैलरी रॉ मटेरियल इंफॉर्मेशन अदर ये कॉस्ट है इंस्टीट्यूशन में कंट्री रिस्क पे नहीं है वॉर पे तो नहीं है सिविल वॉर तो नहीं हो रही है गवर्नमेंटल पॉलिसी टैक्सेस ब्यूरोक्रेट्स रेड टेपिज्म तो नहीं है रोड रेलवे नंबर ऑफ एयरपोर्ट कनेक्टिविटी वगैरह तो दीज आर सम थिंग्स जो एफ को डिक्टेट करेंगे ये बड़े ईजी टर्म्स में हमने देखा बाकी आप इसकी माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक देखो उसमें और अच्छे से एफ वगैरह दिया है सो हैव अ लो तो दिस इज अबाउट एफ ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रिपेयर अ नोट ऑन फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिस्कस इटेटस इन द कॉन्टेक्ट ऑफ अवर कंट्री ये दूसरा सवाल है आज का फिर ये है जीएसटी काउंसिल शुड प्रायोरिटाइज कोविड रिलीफ ऑयल राइजेज ऑन पोटेंशियल स्नैग इन ईरान ईरान के साथ डिफिकल्टी तो ऑयल इम्पोर्ट में डिफिकल्टी इंडिया सीमेंट डिमांड फॉर आई टी प्रोफेशनल्स बढ़ गया बिकॉज वर्क फ्रॉम होम है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी हो रही है की तबियत ठीक ठी है एंड दिस इज एनवायरमेंट डे की प्रिपरेशन सो ये था दिंदू हिंदी में हम देखते हैं भारत में प्रमुख पर्यावरण आंदोलन एक बिश्नोई आंदोलन है ये राजस्थान का खेजड़ी मारवाड़ क्षेत्र में होता है अमृता देवी यहाँ की प्रमुख थी चिपको आंदोलन अभी बहुगुणा जी का देखा उत्तराखंड में था ये सुंदरलाल बहुगुणा जी एंड चंडी प्रसाद भट्ट खेजड़ी खेजड़ी जो था ना वो 1730 में अमृता ये यहाँ का है अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में राजा के आदेश के विपरीत पेड़ों से चिपक कर उसको बचाने के लिए आंदोलन चला ये था चिपको चिपको आंदोलन था चमोली उत्तराखंड में इस पेड़ों से चिपक कर उसको कटने से बचाया था हक किया था इन्होंने ट्रीज को ये बिश्नोई यहाँ का है राजस्थान का है देन साइलेंट वैली है केरल में हुआ था केरल शास्त्र साहित्य परिषद एंड सुगाता कुमारी यहाँ पे भी यही बात थी डैम बन रहा था और डैम के कारण डूब में काफी सारे ट्रीज लॉस हो रहे थे तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट जंगल बचाव आंदोलन बिहार के सिंहभूम में हुआ था सिंहभूम की जनजातियां बिकॉज जनजातियों के लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है आंदोलन प्राकृतिक साल वन का सागोन से बदलकर बदलने के सरकार के फैसले के खिलाफ था अब सागोन को सरकार इतना क्यों इंपॉर्टेंस दे रही है टीक को बिकॉज टीक इज अ टेम्बर क्रॉप काफी इंपॉर्टेंट इसका वैल्यूएशन होता है टीक अपिक्को आंदोलन कर्नाटका में हुआ था प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सागोन और नीलगिरी के पेड़ों के कमर्शियल वानिकी के खिलाफ थे कमर्शियल फॉरेस्टेशन देन टिहरी डैम उत्तराखंड में हुआ था टिहरी बांध बन रहा था इधर भी सुंदरलाल बहुगुणा जी ने लीड किया था और नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर अरुंधति रॉय एंड आप सब ने गुजरात मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नर्मदा जो डैम है उससे भी डूब हो रहा है तो पॉइंट इज ये जो बिग प्रोजेक्ट्स होते हैं ना डैम्स बनते हैं इसमें डूब बहुत होती है जो हम इंटरलिंकिंग ऑफ कैनाल की भी बात कर रहे हैं केन बेतवा यहाँ पे भी प्रॉब्लम यह है कि डूब बहुत होगी फॉरेस्ट का लॉसेस होगा तो ये कुछ एटीज तक के इम्पॉर्टेंट आंदोलन है एक है बिश्नोई आंदोलन चिपको आंदोलन साइलेंट वैली जंगल बचाओ अपिको टिहरी नर्मदा बचाओ इसकी लोकेशन कहाँ एक आध इम्पोर्टेंट जो इनके लीडर थे उनका नाम और किस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था ये तीन चीज याद रखनी है प्रमुख पर्यावरण आंदोलन ये सी सेट है पहला सवाल इजी था वर्क डन कांस्टेंट होगा पंप का तो पहले केस में थ्री इंटू एट इंटू टू तो ये फोर्टी एट कॉन्स्टेंट होगा नेक्स्ट केस में एक्स आवर्स है तो वर्क डन फिर से पंप का तो फोर्टी एट ही रहेगा बट ये एक्स हम इसको इक्वेट करके फाइंड कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व क्वार्टर में ढाई सौ ग्राम होते हैं ढाई सौ ग्राम साठ पैसे का है तो दो सौ ग्राम यूनिटरी मैथड फोर्टी तो एट पैसे यहाँ हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन है जैसे कम स्पाइडर है कम स्पाइडर है मतलब काम में ज्यादा दिन लगेंगे बिकॉज लोग कम है तो लेस स्पाइडर मतलब मोर डेज इनवर्स प्रोपोर्शनल अगर कम काम करना है तो कम दिन में हो जाएगा तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो एस वन डब्ल्यू वन डी वनवल टू एस टू डब्लू टू डी टू इक्वेट करेंगे एक्स इज इक्वल टू सेवन आज का सवाल है वॉट इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यू ऑफ फाइव इन द न्यूमेरिकल दिस प्लेस वैल्यू फाइव दो बार है दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताना है एक होती है प्लेस वैल्यू दूसरी होती है फेस वैल्यू मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैपिटल ऑफ एटी थाउजेंड छह महीने बाद रोहन ने ज्वाइन किया एज अ पार्टनर इन्वेस्टिंग पैसठ हजार और इन्वेस्ट किए आफ्टर वन ईयर दे टोटल प्रॉफिट उनका आया इतना सो इज द शेयर ऑफ दिस मोहन इन दिस प्रॉफिट प्रॉफिट में इसको कैसे डिवाइड करेंगे ये आपको बताना है मदर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सन अगो द एज ऑफ द मदर टेन टाइम्स द द एज ऑफ सन थी वॉट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर वेरी इजी अगर हायरकी बनाना है मेल फीमेल को डिफ्रेंशिएट करना है यू विल गेट दी आंसर सो दीज आर थ्री क्वेश्चन सी सेट फॉर टूडे ये सी सेट सोल्यूशन है दिस इज प्रमुख पर्यावरण आंदोलन एफ डी आई आज अच्छे से प्रिपेयर करिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप अपने उसमें डिस्कशन भी करिए वुहान लैब एफ डी आई ब्लिंकन ऑन साइट पॉक्स को इसको स्ट्रेंथन करना है अफगानिस्तान का एंड गेम क्रॉस रोड दिस इज यूटी ऑफ पुडुचेरी और ये है मलेरिया मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है फिजिकल एंड मेंटल बोथ ये है रेनड्रॉप और ये है दिस साइक्लोन यास दिस इज ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ